हे गाइज, वेलकम बैक टू कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस। गाइज, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं कयामत लास्ट एपिसोड 47 टीज़र। तो गाइज, कयामत का ड्रामा जो है ये हम एपिसोड 1 से देखते हुए आ रहे हैं, बट हमने इस बारे में रिव्यू नहीं किया ना कोई बिल्कुल रिएक्शन किया। बट हाँ, का ड्रामा काफ़ी अच्छा लगा हमें, तो हमने कंटिन्यू किया इसको। इसका लास्ट एपिसोड अब आने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना इसके लास्ट एपिसोड के टीज़र पर रिएक्शन किया जाए। अभी सेकेंड लास्ट एपिसोड भी हमने देखा नहीं है, तो और क्योंकि अभी कल परसों ही आया ना वो, कल ही आया होगा शायद, देखा तो नहीं है। हाँ, तो हमने सेकंड लास्ट भी देखा नहीं अभी, लेकिन लास्ट एपिसोड का टीज़र आ गया तो हमने सोचा इस पे रिएक्शन कर देते। उसके बाद सेकंड लास्ट भी देखेंगे, और लास्ट तो देखना ही है फिर, बिल्कुल वो तो नेक्स्ट वीक आएगा। और गाइज, हरपल जियो को जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो शुरू करते हैं वीडियो, हियर वी गो। गो। सब्सक्राइब करो वीडियो को और लाइक करो। बिल्कुल कहीं से भी पता करो जवाब। रात मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा, ऐसे ऐसे जैसे मेरा राशिद किसी मुश्किल में हो। अम्मी आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। भजन पुलिस ने बताया कुछ? क्या कह रहे हैं पुलिस ने? कोई इतना मिलेगी तो बता देंगे। रोज इसी बात का इंतजार रहता है। सब हुआ कैसे? राशिद की दुश्मनी तो नहीं थी ना किसी के साथ? दुश्मनी तो नहीं, इस घर को बद्दुआ खा गई है फैयाज। हेलो जी, मुख्तार बोल रहा हूँ जी। ये नंबर तो मेरे बेटे की गाड़ी का है। क्या हुआ? लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? ठीक है, मैं आता हूं। अरे मुख्तार साहब, हुआ क्या है बताइए तो। दुआ करो कि सब ठीक हो। तो भाई, ये इन्होंने सस्पेंस छोड़ दिया है, सस्पेंस उसके छोड़ लिए दिया आपका है। एपिसोड देखना पड़ेगा। हुआ क्या है? हाँ, एक्सीडेंट हुआ होगा जहां तक चांसेस लग रहा है। एक्सीडेंट नहीं है, जितना मैं इस ड्रामे को फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, इसके लफड़े चल ही रहे हैं। वो पता नहीं किसी हाँ परी के चक्कर में पड़ा हुआ हाँ था, हाँ फिर परी का कोई दूसरा बॉयफ्रेंड था, उसके साथ इसके झगड़े हुए हाँ थे। तो और उसको उसने भी थोड़े दिन पहले उसे बदला भी लिया था, उसकी बेट हाँ से पिटाई करके। हाँ तो ऐसा बताया जा रहा था कि जो राशिद है उसका जो फ्रेंड है, उसको समझा रहा था कि तू घर में ही रह, कुछ भी हो सकता है, वो बदला लेगा। हाँ और अभी प्रोमो में इन्होंने बता दिया है कि राशिद गायब है। बट इस ड्रामे में ना, मुझे सबसे बेस्ट जो एक्टिंग लगती है ना, वो राशिद की लगती है। फनी उसका कैरेक्टर नेगेटिव टाइप का है, बट उसकी एक्टिंग काफ़ी फनी है, है देख के वही। मज़ा आता है। जैसे वो एक एपिसोड में कोई ऐसा, वो कांच में से नाक दबा कर वो देख रहा था, बहुत फनी लग रहा था। हाँ, उसमें शायद कुछ वो शादी वादी हो रही थी किसी की, हाँ तो वो ऐसे देख रहा था। और उसके एक जो सीन और देखा था उसमें, हाँ वो उसका बाप उसको थप्पड़ मारता है, तो जिस तरह से रिएक्ट करता है, मतलब वो बहुत फनी होता है। तो अब लास्ट एपिसोड है, तो मुझे लगता है हैप्पी एंडिंग ही होना चाहिए इसकी यार, बिल्कुल। क्योंकि अगर वैसे राशिद का पर कैरेक्टर मर जाता है तो अच्छा नहीं लगेगा। विलन तो राशिद ही है ना। राशिद ने बट मरना उसकी नहीं चाहिए उसकी यार। जो सिस्टर है, हाँ जो जिसकी डेथ हुई है, हाँ उसकी डेथ भी राशिद की वजह से हुई है। हाँ उसने उसने उसे तो धक्का धक्का ही दिया दिया है ना था। उसको, तो तो वो तो गलत ही है, तो गलत है। बट उसका एंड तो एट द एंड बताएंगे कि कहीं ना उसे सजा कहीं मिले कुछ ना सजा कुछ। तो मिलेगी उसे, साथ में जो उसकी मदर है वो सुधर जाएगी, ये हो हाँ, सकता वो है। लग रहा है जिस हिसाब से वो वो जो सबसे माफी मांगेगी। बिल्कुल जिस हिसाब से रो रही है और वो उसे हाँ, संभाल रही है, और और जो इफ्रा की शादी हो जाएगी जावेद से। जवार से है, जवार, जवार है, जावेद है, ऐसे ही कुछ नाम है यार। जवाद। हाँ, जवाद मेन होगा, मेन हीरो तो यार उसका वही था यार, उसको जवाद था। हाँ, पर वो उसने भी बेचारे ने कॉम्प्रोमाइज किया। हाँ वही कुर्बानी दे देता है। वो सब भी उसकी माँ की वजह से होता है, राइट, और मतलब ऐसा किसी के दिमाग में आया ही नहीं था थॉट कि इसकी शादी इससे कर दे। सही है। और ये काफ़ी लंबा चला वैसे ड्रामा, इतने ज़्यादा एपिसोड आ गए। नहीं तो हाँ, नॉर्मली देखते हैं तो 38-35 इतने एपिसोड में पाकिस्तानी खत्म ड्रामा हो ख़त्म जाता हो है। जाता है, बट ये और काफ़ी उन लंबा चला एक है। डायलॉग उन्होंने बोला ना कि इस घर को बद्दुआ खा गई है हाँ, वो था, वो, क्योंकि उल्टे काम तो बहुत हुए बहुत हुए राशिद उस ने भी, घर में। बहुत उल्टे काम किए हैं उसके उसकी फादर भी उसकी पहले गलती हुआ करता था, पर वो बाद में माँ ने, ठीक और हो उसके गया। फादर ने भी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हाँ धोखे से हड़प ली थी झूठ बोल के। हालांकि वो तो ठीक है, वो पहले भी उसका बर्ताव बिहेवियर सही था, वो भले ही उसने करा बिल्कुल था, बाकी बाद में उसे अकल आ गई, उसने वो प्रॉपर्टी दे भी दी उनको। बाकी जो राशिद है और राशिद की माँ है,
वो और वो राशिद की जो माँ है उनकी एक बहन भी बताई, ये लोग बिल्कुल भी सुधरे नहीं है, सब बिगड़े हुए थे। और पर ये ड्रामे का मेन फोकस तो मेरी नज़रों में मेरा राशिद पर ही रहता, क्योंकि जो उसकी एक्टिंग है बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। हाँ, और बहुत लोग उसकी एक्टिंग की वजह से ये ड्रामा देखते हैं। अच्छा, ये राशिद बीच में सुधर भी गया था। हाँ, मतलब इन दोनों के केमिस्ट्री, पर वो लड़की आ गई थी ना, फिर रिटर्न आ गई थी, बाकी वो परी आ गई वापस। हाँ, और फिर परी की बातों में आ गया, मतलब उसे बेवकूफ टाइप का बंदा बताया है। हाँ, किसी की बातों में आ जाता है। मशीनें बेच दी और वो लूट कर चली गई, और फिर बाद में इससे बदला ले रहा है वो। मतलब यार, जिससे बदला लेना चाहिए उससे तो कुछ लिया नहीं, और उसको बेट से मार के उससे बदला ले रहा है। सही बात है, सस्पेंस छोड़ दिया गया है कि वो क्या है, वो उसी बंदे ने किडनैप करा है, कुछ करा है वही। पर राशिद राशिद भी ऐसा कुछ कर सकता है एंड वाले एपिसोड में, जिससे राशिद का जो कैरेक्टर है वो लोगों को इमोशनल कर दे। देखते हैं यार, अभी तक तो ऐसा कुछ मतलब देखकर लगा नहीं है कि राशिद ऐसा कुछ। राशिद को मतलब जिस तरह का उसका किरदार बताया, उसे बिल्कुल ना समझ टाइप का बताया। हाँ, और जिस जैसी उनकी उन्होंने एक्टिंग की है, देख के बहुत हंसी आती है, बहुत फनी लगता है कैरेक्टर बिल्कुल। तो गाइस, देखते हैं अब लास्ट एपिसोड आएगा तभी पता चलेगा कि राशिद की कार मिली है तो हुआ क्या है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उसके साथ, कमेंट करके बताओ। कौन कौन एक वेट कर रहा है, एक्साइटेड है लास्ट एपिसोड के लिए, ये भी कमेंट करके बताओ। और कौन कौन हमारा रिव्यू चाहता है लास्ट एपिसोड पे, ये भी कमेंट करके बताओ। तो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, मेक लव नॉट वॉर।